आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे वेलकम है। सेमेस्टर थ्री का रियल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रियल एनालिसिस में बहुत सारा पोर्शन होता है, जैसे इसमें आपका सीक्वेंस है, सीरीज़ है, उसकी कन्वर्जेंसी है। तो ये सब सेमेस्टर वन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस दिया रहता है, तो आप सिलेबस देख करके टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी सेमेस्टर थ्री का जो सिलेबस है मेरे पास ये रांची यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें लिमिट ऑफ फंक्शन से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लिमिट पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इस तरह का जो बेसिक रियल एनालिसिस की चीज़ें हैं वो इसमें दी हुई हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, इसके लिए मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगा कि आप के झा की बुक। ठीक है, यहाँ पर मैं बुक ऊपर में लिख देता हूँ, अगर आपको बुक लेना है तो जो बुक इसके लिए अच्छी बुक है मार्केट में वो आप के झा की बुक देख सकते हैं, इसको मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, एक राय सिंघानिया जी की भी बुक है तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बुक है। तो के झा से ज़्यादातर पोर्शन मैं लूँगा, राय सिंघानिया से भी लूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है हमारा वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, के लिमिट का क्या डिफिनेशन होता है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ से लिमिट का डिफिनेशन देखते हैं। लिमिट, ओके, तो लिमिट जो इस ये टर्म है, तो इससे पहले भी आप लोग लिमिट से फैमिलियर होंगे, क्लास 12 से आप लोग लिमिट देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इसको प्योर मैथमेटिक्स में देखना है, मतलब जो एक प्योर मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ और फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा, उम्मीद है आपको काफ़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन है ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव ए लिमिट एल, इज सेट टू हैव ए लिमिट एल। ठीक है, एक फंक्शन का लिमिट हम लोग क्या कहेंगे, एल कहेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, एट एनी पॉइंट, पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमने कोई रियल पॉइंट सी ले लिया है तो इस पॉइंट पे फंक्शन को क्या कहेंगे कि उसके पास लिमिट एल है। कब होगा, इफ टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कोई एक एप्सिलॉन हम लेंगे, ये ग्रेटर देन जीरो है बट कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, हाउ एवर स्मॉल, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, बस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक हमारे पास एक डेल्टा होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्या सच दैट, ताकि हमारे पास एक रिलेशन होल्ड करे, कौन सा रिलेशन, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके एप्सिलॉन व्हेन एवर, या व्हेन एक्स माइनस, हमने ये जो लेके रखा है सी, पॉइंट सी पे एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये देखिए लिमिट की डिफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ, काफ़ी इजी है ये समझना। तो आप देखिए कि किसी भी फंक्शन का लिमिट कब कहा जाएगा। ठीक है, लिमिट के बारे में आप एक चीज़ जानते हैं कि लिमिट होता क्या है, कि किसी भी फंक्शन का उस पॉइंट पे जो रीचेबल वैल्यू होता है उसको हम लिमिट कहते हैं। ठीक है, जनरली कभी कभार क्या होता है, डायरेक्टली उस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे फिर उसकी लिमिट वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी एक वैल्यू पर अगर कन्वर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है उस नेबरहुड में, तो हम लोग फिर उस नेबरहुड में उस पॉइंट के नेबरहुड में उसका हम लिमिट वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये समझिए, जैसे देखिए कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन है, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं वाई। ठीक है, अब वाई में आपको मैं बताऊं कि किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, तो उस फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पॉइंट चेक कर रहे हो
अगर आप पॉइंट चेक कर रहे हो x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी पे अगर आपको लिमिट पता करना है कि x इक्वल टू सी पे लिमिट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x इक्वल टू सी पे एक नेबरहुड लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको x नेबरहुड कहेंगे कि x का नेबरहुड है ये, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपका लिया हुआ है, ओके, इसको आप देखिए समझिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन बी डी शॉर्ट में बोला जाता है, नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम लोग एन बी डी लिखते हैं, एन बी डी ऑफ x, ठीक है, नेबरहुड इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो अगर हमको इसके लिए, अगर y जैसे क्या है, y फंक्शन वैल्यू है और x क्या है इसका, x जो है तुम आपके x के अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट होता रहता है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग y में भी एक नेबरहुड मिल जाता है, ठीक है, y में भी एक नेबरहुड मिल जाता है हमें, और y का नेबरहुड कौन है, ये है आपको, ये जो है ये y की नेबरहुड है, एन बी डी ऑफ y, ठीक है। तो अगर हम कोई x का नेबरहुड लिए और हमारे पास y का नेबरहुड वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए ये किसका नेबरहुड है, l का नेबरहुड है, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट l है, तो फंक्शन जो है वो l के इर्द गिर्द है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, नेबरहुड आप पहले से भी जानते होंगे। तो अगर x के नेबरहुड के लिए y का नेबरहुड है, तो हम उस पॉइंट पर जिसका नेबरहुड x में मिला है, उस पॉइंट पर फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू है वो l कहेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट को डिफाइन करते हैं, आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो जब भी कभी लिमिट फाइंड करना होता है, तो हम लोग दो चीज़ उसमें देखते हैं, कि पहले तो अगर हम x का कोई नेबरहुड उस पॉइंट पर कंसिडर करें, तो उस पॉइंट पर जो x का नेबरहुड है उसके लिए हमको y पर यानी y एक्सिस पर यानी फंक्शन का नेबरहुड मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अगर हमको y एक्सिस पर किसी पॉइंट का नेबरहुड मिल जाता है उस x के नेबरहुड के लिए, तो हम जिस पॉइंट का नेबरहुड मिलता है, हम लोग उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो लिमिट वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप देखिए कि इस पे जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोगों को इस तरीके से करने होंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई कर लें कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर के दिखाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल वन, ठीक है, क्या है ये एग्जांपल, देखिए एग्जांपल है हमारे पास, आपको डेफिनेशन का यूज़ करना है, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है, लिमिट का डेफिनेशन का यूज़ करके आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एट, ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे डायरेक्टली लिमिट पे तो ये 8 हमको दिख रहा है, लेकिन हमको डेफिनेशन का यूज़ करके इसको प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करने वाले हैं, आइए देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसका मैं प्रूफ करता हूँ। प्रूफ, पहले आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि हमको करना क्या है। देखिए हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, तो हम x का एक नेबरहुड लेंगे, तो नेबरहुड किस पॉइंट पे लेंगे, जो हमको यहाँ पे जो x का जो वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 पे हम x का एक नेबरहुड लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि 2 के नेबरहुड के लिए जो फंक्शन दिया है एफ एक्स माइनस टू, फाइव एक्स माइनस टू, तो इस फंक्शन का हमको कोई नेबरहुड मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। अगर हमको x के नेबरहुड के लिए y का नेबरहुड मिल जाता है, तो जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग नेबरहुड मिलेगा, जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग, हम लोग उसको लिमिट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। देखिए कैसे शुरू करना है, हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट वी हैव, पहले हम ले लेंगे डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं, सच दैट ये x इक्वल टू टू पे, तो x माइनस टू लीजिएगा, ठीक है, x इक्वल टू टू पे लेस देन डेल्टा, ये हमने ले लिया, ओके। अब ये लेने के बाद अब हमको ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन, नाउ हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे, फाइव एक्स माइनस टू, तो हम अब देखना चाहते हैं कि हमारा एफ एक्स माइनस एट
क्योंकि लिमिट वैल्यू हमको 8 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें ऊपर में एफ एक्स फंक्शन लिया और एल लिया लिमिट वैल्यू जो हमको प्रूफ करना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये कोई लेस देन एप्सिलॉन हो पाता है इस गिवेन नेबरहुड के लिए, ठीक है। इस गिवेन नेबरहुड के लिए क्या हमारे पास वाई के पास भी कोई नेबरहुड मिल पाता है, तो आइए हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 2 और माइनस कर दीजिए इसको 8, ठीक है, ओके। इसके बाद आइए इस तरफ देखते हैं, इसके बाद क्या मिलने वाला है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 8, 2 माइनस 8 है तो क्या हो जाएगा 10, ओके, ठीक है। यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है आपका x माइनस 2, ठीक है। अब आप 1 को यूज़ कीजिए, देखिए x माइनस 2 इसका आप देखिएगा कि ये क्या है, ये डेल्टा से छोटा है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ लेस देन 5 डेल्टा, ओके। हेंस तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स माइनस 8, ठीक है, ये क्या हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। हम इसको ऐसे कह देंगे, ठीक है, और क्या कहेंगे, वेयर वेयर हमारा एप्सिलॉन क्या है, तो हमारा जो एप्सिलॉन है वो आप देखिएगा तो 5 डेल्टा को हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, ठीक है। और 5 डेल्टा क्या है, तो जो डेल्टा हमको मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आप यहाँ से देखेंगे तो एप्सिलॉन बाय 5, ठीक है। अगर हम डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 5 रख देते हैं तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा। तो यानी ये चीज़ मेरा एग्जिस्ट कर जा रहा है जो हमको डेफिनेशन में लिखा हुआ था, किसके लिए, डेल्टा एप्सिलॉन बाई 5 के लिए। और डेल्टा हमने ग्रेटर देन 0 लिया है, ठीक है, तो ये भी क्या है, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, आपका एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है, हमारा जो एप्सिलॉन है ये ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो ये चीज़ें मिल गई मुझे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया 5x माइनस 2, ये क्या है, ये हमारा माइनस 8, ये जो वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, कब, जब हमने x माइनस 2 लेस देन डेल्टा लिया था, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारा फुलफिल हो गया। 10 हम क्या लिख सकते हैं, 10 जो लिमिट है फंक्शन की 2 पे वो क्या हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। तो डेफिनेशन से देखिए इस तरीके से प्रूफ करना होता है, ठीक है, काफ़ी इजी है इसको प्रूफ करना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आइए कुछ कुछ क्वेश्चन अब हम लोग जल्दी जल्दी में देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नोट बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फिर एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 क्या है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 15, ठीक है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। हमको वो डेफिनेशन ऑफ लिमिट के साथ ये काम करना है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट को यूज़ करके हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, ओके, प्रूफ